गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम सीख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर प्लास्टिक्स। नाउ व्हाट इज प्लास्टिक एंड हाउ मेनी यूजेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के कितने यूज है, कैसे कैसे प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी आर लर्निंग इन दिस टॉपिक। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूज। तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल, बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल के बारे में आप जानते होंगे, उसका लिस्ट बनाओ। तो आपके लिस्ट में बहुत सारी चीज़ आएगी, लाइक अ पैन। तो प्लास्टिक की पैन होती है, एज इट इज़ प्लास्टिक का कंपास बॉक्स होता है, एज इट इज़ डिश प्लास्टिक ग्लास, वॉच, वॉल क्लॉक और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप आपके आसपास भी अपनी नज़र घुमाओगे। यू कैन सी सो मैनी थिंग्स विच इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक। यू कैन सी ऑल अराउंड इट, आपके आसपास आपको प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लाइक अ चेयर, बकेट। सो प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, विच इज़ द लाइक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसा ही एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो सब प्लास्टिक में एक जैसी अरेंजमेंट नहीं होती है। इन सम इट इज़ लीनियर, किसी में प्लास्टिक में ये जो हियर इज अ टू टाइप ऑफ प्लास्टिक। सो यू कैन सी इन अ फिगर ए, ए फिगर में जो अरेंजमेंट है इट इज़ ए लीनियर, एंड बी टाइप की जो है इट इज़ अ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, लीनियर एंड सेकंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। सो यहाँ पे लिखा है ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सब में एक जैसी अरेंजमेंट नहीं होती है। इन सम इट इज़ लीनियर वेरियस, इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो प्लास्टिक के आर्टिकल में प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें जो होती है अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स। तो बहुत सारे पॉसिबल शेप्स में और साइज में अवेलेबल होती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल। क्या आपको मालूम है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सो द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, मतलब प्लास्टिक को इजीली मोल्डेबल, मतलब किसी उसके कोई भी शेप में उसको बनाया जा सकता है, उसको पिघाल के कोई भी शेप में उसको बनाया जा सकता है। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म शेप उसका बना सकते हैं हम। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक को पिघाल के उसमें से दूसरा प्लास्टिक बना सकते हैं, मतलब रिसाइकल्ड, रीयूज्ड फिर से यूज़ कर सकते हैं, कलर्ड कलर भी कर सकते हैं, मेल्टेड मतलब उसको पिघला सकते हैं, रोल्ड इनटू सीड्स मतलब प्लास्टिक को पिघला के उसमें से प्लास्टिक की सीड भी बना सकते हैं, मेड इनटू वायर्स प्लास्टिक वायर बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। तो प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूजेस है, लाइक प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इंटू सीड्स और मेड इंटू वायर। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैराइटी ऑफ यूजेज। तो प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेज होते हैं। सो हियर इज़ वन थिंग, पोलीथीन। सो वॉट इज़ पोलीथीन, तो पोलीथीन क्या है। तो पोली इथिन मतलब पोली प्लस इथिन। सो इथिन के बहुत सारे जो बहुत सारे इथिन को अगर मैक्सिमम क्वांटिटी में लिया जाए, मतलब पोली प्लस इथिन, इट गिव्स पोलीथीन। सो पोलीथीन इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पोलीथीन बैग्स। तो पोलीथीन में से बहुत सारी पोलीथीन बैग्स भी बनाई जाती है। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, प्लास्टिक के पीस को बैंड करने का ट्राई करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बैंड ईजिली, क्या सब प्लास्टिक आर्टिकल ईजिली बैंड होते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पैन जो होती है, पैन में भी आप देखते हो कोई पेन ऐसी होती है कि जो बैंड हो जाती है और कोई पेन ऐसी होती है बैंड नहीं होती, उसको ज़्यादा अगर हार्ड मतलब ज़्यादा ताकत लगाए तो वो पेन टूट भी जाती है, और कोई ऐसी हो कितना भी मोड़े वो टूटती नहीं। मतलब टू टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड ईजिली, मतलब कोई मुड़ जाते हैं, वाइल सम ब्रेक वेंट फोर्ड टू बैंड, जबकि कोई टूट जाते जब उसको फोर्स किया जाए तो। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed.
जब भी कोई प्लास्टिक की बॉटल के अंदर हम गर्म पानी भरेंगे तो इट गेट्स डिफॉर्म्ड, मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है। अपने स्टैंडर्ड 7 में एक्टिविटी, पीछे के चैप्टर में आती है एक एक्टिविटी, स्टैंडर्ड 7 में आपने शायद देखी होगी। तो प्लास्टिक के अंदर गर्म पानी भरेंगे तो वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, उसका शेप पूरा चेंज हो जाएगा, अंदर तरफ खींच जाएगा वो। सो सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली, मतलब ऐसे प्लास्टिक जो इजिली डिफॉर्म्ड हो जाए ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली, मतलब हीटिंग करने से, गर्म करने से वो प्लास्टिक डिफॉर्म्ड हो जाए और कैन बी बेंट इजिली, या तो आसानी से मुड़ जाए, दे आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो गर्म करने से डिफॉर्म हो जाए, शेप चेंज हो जाए और वो इजिली बेंड हो जाए, दे ऑल आर थर्मोप्लास्टिक्स। सो पोलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो पोलीथीन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं या PVC से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। तो थर्मोप्लास्टिक का यूज़ कहाँ पे हो सकता है? टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिब्बे बनाने के लिए भी थर्मोप्लास्टिक का यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह देखिए तो देर आर सम प्लास्टिक्स विच वन मॉल्डेड वंस, एक ही बार उसको पिघाल के उसमें से शेप बनाया जाता है, कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। तो ऐसे प्लास्टिक जिसको एक बार शेप देने के बाद में कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, गर्म करने से भी वो सॉफ्ट नहीं होता है, दीज प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। सो टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो दो एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कौन से हैं? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। सो बेकेलाइट और मेलामाइन क्या है, उसके यूज़ क्या है? तो देखो अभी, तो बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट में से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, सो वी कैन कॉल दैट बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो बेकेलाइट का यूज़ कहाँ पर होता है? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो आप स्विच जो आपके घर में होती है उस वो बेकेलाइट से बनी हुई होती है, उसको कितना भी गर्म करोगे वो पिघलेगी नहीं, बिकॉज ऑफ इट इज़ मेड फ्रॉम बेकेलाइट एज इट इज हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल। बहुत सारे बर्तनों के जो हैंडल जो होते हैं वो आप देखोगे, कुकर का हैंडल है, समझो कुकर का हैंडल है, कुकर कितना भी गर्म होगा वो हैंडल गर्म होकर पिघल सकता नहीं है, इसीलिए उसको बेकेलाइट में से बनाया जाता है, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसमें यूज़ होता है। नाउ मेलामाइन इज़ अ वर्साटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। तो मेलामाइन में से जो बनता है वो जो चीज़ें जो होती है, इट रेजिस्ट फायर, मतलब आग को, उसको आग पकड़ सकती नहीं है, वो जल सकती नहीं है, सो इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। दूसरे प्लास्टिक से ज़्यादा हीट को ये टॉलरेट करते हैं मेलामाइन में से बने हुए चीज़ें। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। तो फ्लोर टाइल्स में भी किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, तो ये तीनों चीज़ों में ये फैब्रिक मेलामाइन यूज होता है। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पे दो फिगर दी गई है, उसमें आपको थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक की यूज़ है। सो यू कैन सी इन दिस फिगर आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से आप देख सकते हो, यह स्विचेज है, ये ऊपर जो ऑरेंज कलर का जो है एक छोटी डिश जैसा है, एज इट इज़ राइट साइड में डिश है और डिश के ऊपर आप देख सकते हो हैंडल है, पैन का हैंडल है या तो पतीली का हैंडल है। तो हैंडल में, स्विचेज में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ होता है। एज इट इज़ इन नेक्स्ट फिगर आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक से क्या बनता है? सो जैसे कि कंटेनर है, डिब्बे हैं, वायर के ऊपर की जो वायर के ऊपर का जो पड़ होता है वो भी थर्मोप्लास्टिक से बनता है। नाउ पॉइंट नंबर 3.5, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम। आज अगर हमको कोई भी फूड आइटम स्टोर करनी हो, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड एट्सेट्रा, या तो पानी, दूध, पिकल्स मतलब अचार या ड्राई फूड, कोई हमारा नाश्ता हमको जो अगर भरना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं?
ऑब्वियसली वी यूज प्लास्टिक कंटेनर्स. सो प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट. तो वाई प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, क्यों प्लास्टिक कंटेनर हमको कन्वीनियंट है? बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, उसका वेट कम होता है, लोअर प्राइस, उसकी प्राइस चीप होती है, सस्ती प्राइस में हमको कंटेनर मिल जाते हैं, गुड स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती अच्छी होती है, एंड ईजी हैंडलिंग, ईजीली हम उसको हैंडलिंग भी कर सकते हैं. अगर उसकी जगह स्टील के बर्तन या स्टील की चीज़ें, स्टील के डिब्बे हम यूज़ करेंगे तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, उसको साफ सफाई करने में भी उसमें प्रॉब्लम आएगा एज इट इज़, उसके मुकाबले हम प्लास्टिक कंटेनर में बेहतर काम कर पाएंगे. बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, मेटल के मुकाबले ये लाइट है, वेट उसका कम है. प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट. तो प्लास्टिक कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ होता है. द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पाइप्स एटसेट्रा. अगर हम प्लास्टिक का लिस्ट काउंट करने जाए तो इट इज़ एंडलेस, उसका कभी अंत नहीं आएगा. उतना लंबा लिस्ट प्लास्टिक से बनी हुई इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसके उसका एंड भी नहीं आएगा. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी के बारे में हम सीखेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. जैसे आयन में रस्टिंग होता है, आयन को जंग लगता है, ऐसे प्लास्टिक में कभी जंग लगता नहीं है. सो यू नो दैट मेटल्स लाइक आयन गेट रस्ट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर. तो मॉइस्चर और एयर से आयन गेट रस्ट, आयन को जंग लग जाएगा, फिर आयन ख़त्म हो जाएगा, वो ख़राब भी हो जाएगा. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर. तो प्लास्टिक पे कितना भी वाटर डालो, कितनी भी एयर लगे, प्लास्टिक पे कोई रिएक्शन होगा नहीं. दे आर नॉट कॉरोडेड इजीली, दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. तो बहुत सारे केमिकल भरने के लिए, केमिकल फिलअप करने के लिए भी प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बॉटल यूज़ होती है. सो फर्स्ट थिंग इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. नाउ सेकंड थिंग इज प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल. प्लास्टिक इज लाइट मतलब वेट में हल्का होता है, स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है, एंड ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं. टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी को आप पूछो कि पहले के समय में बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, पहले के समय में वो कैसी बकेट यूज़ करते थे. अगर आपके घर पे भी स्टील की या एल्यूमिनियम की बकेट मतलब बाल्टी हो सकती है, अगर ऐसी बाल्टी से अगर पानी भर के एक नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे लिया जाए तो पानी भी कम ऊपर आएगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके हाथ में दर्द भी होगा क्योंकि दे आर वेरी हैवी. तो जो बकेट जो पहले के टाइम में जो होती थी वो मेटल से बनती थी, सो दे आर वेरी हैवी इन अ वेट. सो वी आर यूजिंग नाउ प्लास्टिक बकेट. तो इसीलिए आपको बोला गया यहाँ पे, आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो कि पहले समय में कैसे बकेट यूज़ करते थे. नाउ व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टुडे. आज कौन से बकेट या मग यूज़ करते हो? प्लास्टिक के. सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर. सो सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रांग, ड्यूरेबल एंड कैन बी माउल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइज. प्लास्टिक बहुत ही वेट में हल्का है, स्ट्रांग, मजबूत, ड्यूरेबल, लंबे समय तक टिकने वाला, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज. और उसको इजीली कोई भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस. उसके बहुत जगह पे उसका यूज़ भी हो सकता है. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल. तो प्लास्टिक मेटल से बहुत सस्ते भी होते हैं. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स. वो इंडस्ट्री में भी और घर की चीज़ों में भी बहुत बड़ी पैमाने पे यूज होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट आर यूज इन डेली लाइफ. तो आप ऐसा लिस्ट बनाओ जो आपकी डेली लाइफ में प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हो उसका. नाउ प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर एंड उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर. प्लास्टिक क्यों पुअर कंडक्टर है? क्योंकि प्लास्टिक के एक छोर को गर्म किया जाए तो दूसरा छोर कभी गर्म होता नहीं है. सो यू हैव लर्न्ड अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो आप जानते हो, आप सीखे हुए हो कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो प्लास्टिक में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती नहीं है. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक्स कवरिंग. इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं तो उसके अंदर मेटल के ऊपर, तो कॉपर के वायर या एल्यूमिनियम के वायर के ऊपर जो कवर होता है, इट इज़ मेड फ्रॉम प्लास्टिक. प्लास्टिक से बना हुआ कवर होता है. एंड हैंडललेस ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक. स्क्रू ड्राइवर के हैंडल भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, जिससे हमको
इलेक्ट्रिसिटी से करंट ना लगे, इसीलिए स्क्रू ड्राइवर के हाथे भी जो होते हैं, हैंडल भी होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। एज मैंसनड अबाउ हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैंस, तो फ्राइंग पैंस के भी हैंडल भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। नाउ ऑल नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। तो वी नो अबाउट सो मैनी यूजेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के यूजेज भी हमने देखे। प्लास्टिक इज सो चीप, प्लास्टिक सस्ता भी है, प्लास्टिक का वेट भी कम है, प्लास्टिक इज ईजीली अवेलेबल टू अस, हमको ईजीली अवेलेबल भी है, बट एनवायरनमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट गहरा है। इस एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। सो प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, उसके बारे में हम सीखेंगे। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastics or packed in polythene bags. जब भी हम बाजार में या मार्केट में जाते हैं, we usually get things wrapped in plastic. कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो प्लास्टिक में रैप की हुई, प्लास्टिक में पैक या पोलीथीन बैग में पैक की हुई चीज़ हम लेते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर होम्स। उसकी वजह से हमारे घर में हम जो बाल्टी जो कचरे की रखते हैं, डस्टबिन जो रखते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक का वेस्ट ही हमको ज़्यादा दिखता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, इसी वजह से ही प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज, गार्बेज में कचरे में प्लास्टिक ज़्यादा पाया जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, वाई? तो आज के दिनों में प्लास्टिक का डिस्पोजल करना बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। वाई? सो अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो उसके लिए हमको दो डिफाइन सीखनी पड़ेगी, वॉट इज बायोडिग्रेडेबल एंड वॉट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल के बारे में सीखेंगे। ऐसा मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस से मटेरियल अगर डिकम्पोज हो जाए, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्शन से वो डिकम्पोज हो जाए, इट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। सो जो फूड आइटम जितनी भी होती है, या प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट जो होता है, प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, दे ऑल आर बायोडिग्रेडेबल। इस सब का बैक्टीरिया से उसका डिकम्पोज हो सकता है। बट अ मटीरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस, ऐसी चीज़ें विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होती है, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक जो होता है वो डिकम्पोज कभी नहीं हो सकता है, सो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी गई है, वो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सो पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, तो वेजिटेबल या फ्रूट्स का जो जो वेस्ट होता है, 1 to 2 वीक में, 1 से 2 वीक में वो ज़मीन के अंदर घुल मिल जाता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देते हैं। सो नेचर ऑफ मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है ये। पेपर मतलब कागज़ अगर ज़मीन के अंदर डाले जाए, मतलब मिट्टी के अंदर गुला मिल रख दिए जाए, तो बैक्टीरिया से वो 10 to 30 days में वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल। एज इट इज़ कॉटन क्लोथ 2 to 5 months लगेंगे, इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। वुड 10 to 15 years, 10 से 15 साल में वुड का ज़मीन में मिल जाएगा, मतलब उसका डिकम्पोज हो जाएगा, सो इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। एज इट वूलन क्लोथ अबाउट 1 year, 1 साल लगेगा वूलन क्लोथ को, इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। टीन एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years, 100 से 500 साल लगेंगे, सो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। एज इट प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर, हजारों साल लगेंगे, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग। सो वी आर लर्निंग वॉट इज बायोडिग्रेडेबल एंड वॉट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, तो आपने देखा कि प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, तो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में हजारों साल लगेंगे, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, सिंथेटिक मटेरियल की जो बर्निंग प्रोसेस है, इट इज़ क्वाइट स्लो, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न्ड इजीली, वो 100% कभी भी जल सकता नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, अगर प्लास्टिक को जलाया जाए, इन द प्रोसेस इट रिलीज द लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, अगर प्लास्टिक को जलाया जाए तो उसमें से बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम, मतलब जहरीली हवाएं निकलती है, एंड इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जो एटमॉस्फेयर में जाते जिससे एयर पॉल्यूशन भी होता है।
सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम? सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ हम अवॉइड करें। प्लास्टिक की जगह हम पेपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉटन कपड़े की बैग भी हम प्लास्टिक की जगह यूज़ कर सकते हैं। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, जब भी शॉपिंग पे जाए कॉटन की या जूट की बैग यूज़ करें। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, घर में भी हम जो वेस्ट डालें तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करें एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, अपने घर में पहले प्रैक्टिस करें, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करें, प्लास्टिक बैग की जगह कॉटन की बैग यूज़ करें। विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, जिससे प्लास्टिक मटेरियल का रिड्यूस हो पाएगा, कम यूज़ हम कर पाएंगे। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, एक ये भी तरीका है प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकल किया जाए, उसमें से ही दूसरा प्लास्टिक बनाया जाए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, ज़्यादातर जितने भी थर्मोप्लास्टिक है दे कैन बी रिसाइकल्ड, उसमें से दूसरा प्लास्टिक बनाया जा सकता है, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से नहीं बनाया जा सकता। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, ऐसी आइटम हो जो रिसाइकल हो उसका लिस्ट बनाओ। हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, दीज लिमिट्स इज यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो कलरिंग एजेंट भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट फाइव आर प्रिंसिपल, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिम्मेदार नागरिक की तौर पे आपको फाइव आर प्रिंसिपल याद रखना है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिकवर एंड रिफ्यूज। तो रिड्यूस कम यूज़ करो, रीयूज फिर यूज़ करो, रिसाइकल उसमें फिर प्लास्टिक बनाओ, रिकवर फिर उसको कवर कर लो एंड रिफ्यूज कर सको। ऐसे फाइव आर प्रिंसिपल का यूज़ करके डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट आप यूज़ करो, तो जिससे हम एनवायरमेंट को साफ सुथरा रख सके और प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, आपको ये चैप्टर में भी अच्छे से लर्न करना है और साथ साथ वर्कबुक में जितना आप कर पाओ वो आपको लिखना है। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।